हमारे हिंदू ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियां और 27 योग हैं। इन 12 राशियों और 27 योगों की वजह से व्यक्ति के जीवन की लगभग सभी गतिविधियां जुड़ी हुई होती हैं। हिंदू धर्म में शनि देव को न्यायाधीश कहा जाता है और कहा जाता है कि व्यक्ति के जीवन में जो भी अच्छे या बुरे काम होते हैं वो सब शनि देव की वजह से ही होते हैं। इसलिए बहुत बार ये देखा गया है कि कभी कभी कोई मुश्किल काम चुटकियों में हो जाता है और कभी कभी आसान काम भी बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद भी नहीं हो पाता है। हर व्यक्ति इस संसार में सुखी होना चाहता है और अमीर बनने के चाहत में ना जाने वो कितने सारे प्रयास भी करता रहता है और धनी बनने के चक्कर में वो न जाने कितने तरीके अपनाता है, न जाने कितने भविष्यवक्ताओं के पास जाता है। तो दोस्तों, हम अपने भविष्य को लेकर काफ़ी सजग रहने की कोशिश करते हैं और इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने भविष्य को जागने की उत्सुकता रखता है। मनुष्य के जीवन में ग्रहों की चाल का बड़ा ही महत्व होता है। इनकी चाल से सीधा हमारे सामान्य जीवन पर असर होता है। आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि किसी ग्रह की दशा बदलने से राशियों की दशा भी निरंतर बदलती रहती है। कभी कोई ग्रह किसी राशि के लिए खुशियाँ लेकर आता है तो कभी परेशानी। ऐसे में राशियों में महापरिवर्तन होने वाला है और माना जा रहा है कि इस महापरिवर्तन से शनि 3 राशियों को मालामाल करने वाले हैं। साथ ही इस परिवर्तन से 3 राशियों के भाग्य खुलने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी है वो 3 राशियां। मेष राशि। इस महीने शनि के इस गोचर से मेष राशि के जातक पर होने वाले हैं मेहरबान। शनि के इस परिवर्तन से मेष राशि के जातकों की किस्मत खुल सकती है, जिससे आपको कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। जो भी काम अटके हुए हैं वो पूरे होंगे। व्यवसाय पर धन लाभ, आर्थिक स्थिति में सुधार होने के योग बन रहे हैं। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए भी शनि का ये बदलाव बहुत ही शुभ होने वाला है। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी और वैवाहिक जीवन भी सुखद रहेगा। 31 मार्च राशि परिवर्तन के बाद ग्रह अपने अनुकूल रहने वाले हैं। इस अवधि में आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और आप कड़ी मेहनत से अपनी नौकरी या फिर व्यवसाय में अपार सफलता पाने वाले हैं। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए भी शनि का ये परिवर्तन होने वाला है। 31 मार्च के बाद धन में वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त इस अवधि में भूमि, वाहन और मकान खरीदने के योग बन रहे हैं। सेहत संबंधी सुधार होंगे और अगर आप कोई पुरानी बीमारी से परेशान हैं तो उससे भी मुक्ति मिलने के योग बन रहे हैं। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।